हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। जैसा कि आपको पता है, धीरे धीरे रिजल्ट फर्स्ट ग्रेड के जो हैं वो जारी हो रहे हैं। तो 9 तारीख यानी कल की डेट में एक और रिजल्ट जारी हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो जल्दी से जो है वो अपना यहाँ पर रोल नंबर देख लें। कुल कितने बच्चों को यहाँ पर पास किया गया है? तो कुल 249 बच्चों को जो है यहाँ पर पास किया गया है। तो यहाँ पर आप रोल नंबर देखें, वीडियो को पॉज करें और फिर ध्यान से जूम करके अपना रोल नंबर देख सकते हो, ठीक है? तो चलिए अब मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को और दिखा देती हूँ रोल नंबर। तो हाँ, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको रोल नंबर। हो सकता है कई बार क्या होता है कि हम इतनी फटाफट से देखते हैं कि हमें अपना रोल नंबर नहीं दिखाई पड़ता है और इसी में छुपा होता है। तो आप ध्यान से जो है वो अपना रोल नंबर देखें, कोई भी जल्दबाजी ना करें। और यदि आपका रोल नंबर इसमें है तो बहुत अच्छी बात है और आप लोग जो है वो आगे की तैयारी शुरू कर दें, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने भी चीजें मांगी गई हैं, जिसके लिए मैंने एक और वीडियो डाला था। लेटेस्ट जो न्यूज है उसमें, प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसमें आप देख सकते हो। तो वहां पर जो है वो आपको मैंने एक एक चीजें बताई थी कि क्या क्या जो है आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे कट ऑफ की। कट ऑफ आप देख सकते हो, कल की जो केमिस्ट्री की कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज्यादा गई है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, जनरल में 312.93, ठीक है, कट ऑफ जो है वो अधिक गई है केमिस्ट्री की। वहीं पर विडो की देखें 190.96 है, डिवोर्सी की 301.25 है जो अधिक है। ईडब्ल्यूएस में देख सकते हो आप, ज्यादा अंतर नहीं गया है, फिर भी जनरल से तो कम ही है, 292 है जनरल की, वुमेन की भी इतनी ही है, विडो की जो है वो ईडब्ल्यूएस में 289.68 है। एससी की देखें 246.95, ठीक है, उसके बाद एसटी की देख सकते हो 196.97, ओबीसी की देखिए 301.64। जहां तक देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस से अधिक जो है वो ओबीसी की जाती ही है, ठीक है? तो यहां पर भी जो है अंतर है, ईडब्ल्यूएस 292.10 है, वहीं 301.64 ओबीसी की है, ठीक है? एमबीसी की देख सकते हो, एमबीसी की भी अधिक है, 248.99। यानी अभी तक जितने भी रिजल्ट जारी किए गए हैं फर्स्ट ग्रेड के, तो केमिस्ट्री का जो रिजल्ट है वहां देख रहे हैं कट ऑफ जो है वो काफी अधिक है। तो चलिए जैसे जैसे जो है रिजल्ट आते जाएंगे मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। इसके अलावा इसमें देख सकते हो, प्रशासनिक कारणों से 5 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया, यानी जो नकल करते हुए पाए जाते हैं या और भी कोई वजह हो सकती है, तो वो 5 अभ्यर्थियों का परिणाम जो है रोक दिया गया है। इनके लिए जो कुछ भी अभी डिसाइड नहीं किया गया है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।